कोडिंग ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज के इस कोडिंग ट्यूटोरियल के सीरीज में जिसमें हम बनाने वाले वॉलपेपर ऐप, वो भी पिक्साबेस एपीआई को यूज़ करते हुए, मीन्स हम फुल्ली ऑटोमेटिक वॉलपेपर लोडिंग एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें पिक्साबे एपीआई का यूज़ करते हुए हम सारे वॉलपेपर्स को हमारे एप्लीकेशन के अंदर लोड करवाएंगे और वो भी सर्च फंक्शनैलिटी के साथ। सो सबसे पहले हम इस पहले पार्ट के अंदर हम बनाने वाले हैं हमारी स्प्लैश स्क्रीन, और इस के अंदर आप सीखने वाले हो कि कैसे हम हमारी एप्लीकेशन को पब्लिश भी करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और इस वीडियो को अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं हमारी डिज़ाइन की ओर। सो सबसे पहले ये रहा हमारी एक्टिविटी मेन, और इसके अंदर हमें कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनाई है। आप देख सकते हैं W मीन्स वॉलपेपर एप्लीकेशन विथ HD वॉलपेपर्स। सो हियर वी हम HD वॉलपेपर्स को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये पूरी एनिमेटेड होगी हमारी स्क्रीन, और इसे क्रिएट करना बहुत ही आसान है। सो सबसे पहले हमें आना है हमारी मेन एक्टिविटी के अंदर, और यहाँ पे आके आपको यहाँ पे मिल जाएगी एक्टिविटी मेन के अंदर, यहाँ पे जो ये बैकग्राउंड में ब्लैक सर्कल और ये ग्रेडियंट है उसे क्रिएट कर लेंगे। सो उसके लिए हमें आना है ड्रॉएबल के अंदर और न्यू ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल, और यहाँ पे आपको पहले इम्प्लीमेंट कर देना है, बाद में हम उसके ऊपर कोड करेंगे। सो सबसे पहले हम हमारे ड्रॉएबल को क्रिएट करेंगे ग्रेडियंट के साथ, और उसके बाद हम क्रिएट करेंगे हमारे सर्कल को। सो ग्रेडियंट तो क्रिएट करना आसान है, मगर सर्कल के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सो जैसे ही यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो लोड होता है मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू रिसोर्स फाइल। सो इसके अंदर हमें लिखना है ग्रेडियंट और इसको ओके कर देना है, और उसके बाद आपको फिर से सेम प्रोसेस करके आपको देना है बैकग्राउंड। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड _ लोगो, और उसके बाद आपको फिर से ओके करना है और सेक्टर लोड होगा। सो हमें बैकग्राउंड लोगो के अंदर आ जाना है। सो बैकग्राउंड लोगो के मीन्स हम ये सर्कल क्रिएट कर रहे हैं। सो सेक्टर को इरेज करके शेप रिप्लेस कर देना और शेप लिख देना, और उसके बाद एक सॉलिड क्रिएट कर लेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ग्रेडियंट की ओर। सो ग्रेडियंट तो सेक्टर को इरेज करके शेप लिख दीजिएगा, और उसके बाद आपको ग्रेडियंट एंगल डिसाइड दे देना है जो होगा 90 डिग्री, और स्टार्ट और एंड कलर तो आपके हिसाब से आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कलर ही यूज़ करूँगा पूरे एप्लीकेशंस के लिए। अभी हमने ये ग्रेडियंट और सर्कल तो बना लिया, अभी हम बढ़ते हैं हमारे डिज़ाइन की ओर। सो डिज़ाइन के अंदर हम इस बार कंस्ट्रेंट लेआउट को लीनियर लेआउट या फिर रिलेटिव लेआउट के अंदर कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें हमारी एप्लीकेशन सभी डिवाइसेस के लिए इक्वली रहे ऐसी बनानी है, मीन्स हम टैबलेट के अंदर भी चला सके और एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर भी चला सके। सो सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हम पहले बैकग्राउंड डिक्लेयर कर देंगे, वो होगा ग्रेडियंट, और टेक्स्ट व्यू जो हेलो वर्ल्ड होता है उसको रिप्लेस कर देंगे सिर्फ W के साथ, और इसका ID दे देंगे वॉलपेपर लोगो, उसके विड्थ और हाइट दे देनी है 250 dp, और उसका बैकग्राउंड दे देंगे बैकग्राउंड लोगो जो हमने क्रिएट किया था। मैं नहीं चाहता इस वीडियो के अंदर दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन मिस करे, सो इसके लिए मैं आपको फॉन्ट फैमिली ऐड करना सिखाता हूँ। सो फॉन्ट फैमिली अलादीन यूज़ की गई है इस वीडियो के इस पूरी सीरीज के लिए। सो हम टेक्स्ट पहले डिज़ाइन पार्ट में आ जाना है, और फिर कोई भी एक टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, और फिर सर्च में आना है, और यहाँ पे आपको लिखना है सिर्फ फॉन्ट। फॉन्ट लिखने के बाद जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपको मोर फॉन्ट्स पे आ जाना है, और ये पूरी लिस्ट है आपके सामने, जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगे उसे सिर्फ
क्लिक करें और फिर ओके कर दीजिए, तो आपका वो फॉन्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अभी के लिए हम उस ये अलादीन फॉन्ट ही यूज़ करने वाले हैं। सो उसके बाद हम उसकी ग्रेविटी दे देंगे सेंटर, और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो रहेगा वाइट, और टेक्स्ट साइज रख देंगे 200 SP। सो ये बन गया हमारा लोगो, और इसे हम वेक्टर भी करना सिखाऊंगा कि कैसे हम इसे हमारे जो बाहर का आउटपुट होता है वहाँ पे इसे दिखाएंगे। सो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अगर आप इसे जानना चाहते हो। सो उसके बाद हम एक टेक्स्ट व्यू क्रिएट करेंगे सेम टू सेम, जस्ट हम उसकी आईडी चेंज कर रहे हैं, वो है टाइटल, और विड्थ है उसकी व्रैप कंटेंट, हाइट भी है व्रैप कंटेंट, और फॉन्ट फैमिली ऐड करनी है अलादीन वाली, और उसकी ग्रेविटी रहेगी सेंटर, और इसका टेक्स्ट रहेगा HD वॉलपेपर जो है हमारी ऐप का नेम। अभी हम इसके अंदर टेक्स्ट कलर दे देंगे वाइट, टेक्स्ट साइज दे देंगे 60 SP, और हम उसको कंस्ट्रेंट कर देंगे हमारे लोगो के साथ। सो लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट, एंड बॉटम विथ टॉप। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड टू एंड, स्टार्ट टू स्टार्ट, एंड टॉप टू बॉटम। सो अभी हम बढ़ते हैं हमारी एनिमेशंस क्रिएट करने की ओर। सो एनिमेशंस के लिए हम यूज़ करने रेस के अंदर आके राइट क्लिक न्यू एंड डायरेक्टरी, और इसके अंदर आपको लिखना है एनिम, और जस्ट एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपको ये फोल्डर मिल जाएगा, इसके अंदर न्यू पे आके एनिमेशन रिसोर्स फाइल। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट लिखना है बॉटम एनिमेशन। सो यहाँ पे हम कैपिटल लेटर्स नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए स्मॉल ही यूज़ करेंगे, और उसके बाद आपको इम्प्लीमेंट करना है साइड एनिमेशन। अभी साइड एनिमेशन इन दोनों को इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको आना है इन दोनों के फोल्डर्स के अंदर, और यहाँ पे आपको ये दोनों फाइल्स मिल जाएगी। सो अभी आप देख सकते हैं हम ट्रांसलेट करेंगे फ्रॉम वाई डेल्टा टू 0 dp, फ्रॉम एक्स डेल्टा 50%, एंड ड्यूरेशन हमें मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा, ये ऑटो सजेस्टेड नहीं आता। सो अभी आप देख सकते हैं ड्यूरेशन ये ऑटोमेटिक नहीं आएगा, सो इसलिए हमें सबसे पहले एंड्रॉयड लिखना पड़ेगा, और कोई भी एट्रीब्यूट को इम्प्लीमेंट करने के बाद ड्यूरेशन, सो ड्यूरेशन इज इक्वल टू, अभी ये एरर नहीं शो करेगा, सो इसे हमने मैन्युअली लिख दिया, और फ्रॉम अल्फा भी 0.1 to 1.0, और उसका भी ड्यूरेशन मैन्युअली। अभी ये सेम कोड को कॉपी करके सेकेंड एनिमेशन में आना है, और जो -50 था वहाँ पे हम -50 कर देंगे। अभी हम एनिमेशंस क्रिएट कर लिया, अभी हम इन सभी को अटैच करेंगे मेन एक्टिविटी के अंदर ऑन क्रिएट मेथड में। सो अभी आप देख सकते हैं ये जो हमारी मेन एक्टिविटी है, यहाँ पे हमें सबसे पहले ग्लोबली डिक्लेयर करना है स्प्लैश टाइमर, मीन्स कितनी सेकंड्स बाद, कितनी मिली सेकंड्स बाद हमें ये एक्टिविटी को चेंज करना है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3000 मिली सेकेंड्स, मीन्स 3 सेकेंड, और एनिमेशंस डिक्लेयर करनी है साइड एनिमेशन, बॉटम एनिम, एंड टेक्स्ट व्यू भी डिक्लेयर करना है। सो अभी हमने यहाँ पे वॉलपेपर लोगो इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी लिखा है वॉलपेपर लोगो, और अगर आप इस एप्लीकेशन को हायर रैंकिंग्स दिलाना चाहते हैं प्ले स्टोर के अंदर, सो हमें एप्लीकेशंस के अंदर हर एक चीज़ के साथ वॉलपेपर अटैच कर देना है, ये एक प्लस पॉइंट रहता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वॉलपेपर लोगो इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी वॉलपेपर लोगो, और टाइटल भी वॉलपेपर लोगो, और एनिमेशंस को लोड करवाने के लिए आपको लिखना है एनिमेशन यूटिल्स डॉट लोड एनिमेशन, और पास कर देना है दिस इज अ कॉन्टेक्स्ट और एनिमेशन का नेम। सो इन दोनों को मैंने इसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, और आप चाहे वैसे एनिमेशन दे सकते हैं हमारे लोगो और टाइटल को। और उसके बाद हम एक न्यू मेथड को रन करेंगे, वो हैंडलर के साथ पोस्ट डिलीट मेथड होगी। सो न्यू रनेबल और रन मेथड के अंदर हम न्यू इंटेंट क्रिएट करवा लेंगे, और उसके अंदर हम पास करेंगे मेन एक्टिविटी डॉट दिस और डैशबोर्ड एक्टिविटी डॉट क्लास, और उसके बाद हम
स्टार्ट एक्टिविटी कर देंगे दिस और फिनिश मेथड को क्रिएट कर लेंगे और स्प्लैश टाइमर पास कर लेंगे जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। सो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अब मुझे कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और चैनल का दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सो हमारे इस अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम स्टेटस बार और जो एक्शन बार होता है उसको हाइड करेंगे और कुछ डैशबोर्ड डिज़ाइन भी दिखाऊंगा। सो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग कोडिंग।